हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एस्पेक्ट है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में सारे पढ़ेंगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुनते हैं तो। बिना देरी किए थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, हो सकता है एक डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाए, उससे ज़्यादा की भी बन जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। किसी भी कंट्री की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। ज़्यादातर हमें क्या लगता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मतलब गोल्स मिशंस, जिसमें कोई कंट्री सोचती है कि हमारे न्यूक्लियर वीपन्स को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे यूज़ करना है, पीस के टाइम पे भी और वार के टाइम पे भी। लेकिन एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन उससे भी ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। गोल्स और मिशंस ही नहीं बल्कि इसमें और भी गोल्स आते हैं, जैसे अब आपके डेटरेंस कितना रखेंगे, टारगेट डिस्ट्रक्शन कितना होगा, एलीज में अश्योरेंस कितना है, और कलने को कोई अनसर्टेन फ्यूचर आता है तो उसमें कैसे काम करेंगे। तो बहुत कुछ होता है इसमें। इंडिया की मैं बात करूं तो शुरू से ही वैसे देखा जाए तो इंडियंस ने न्यूक्लियर वीपन्स को एक नेसेसरी इविल माना है। नेसेसरी इविल मतलब रखना ज़रूरी है, मजबूरी है, न्यूक्लियर वीपन्स रखना गलत बात है मगर हम रखेंगे। और इसीलिए हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसका एक प्रिंसिपल है, वो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो डेटरेंस होता है आपका सामने वाली जो कंट्री आपकी जो आप अटैक करने वाली है उसको रोकना, डर जाए एक बार तो सामने वाली कंट्री अटैक करने से पहले कि हम पे न्यूक्लियर अटैक नहीं हो जाए। जैसे पाकिस्तान भारत पे अटैक करने से पहले सोचेगा, साथ में चाइना भी सोचेगा, क्योंकि भले ही चाइना से कम हमारी न्यूक्लियर पावर हो लेकिन हम एक मिनिमम डेटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस उसको दे सकते हैं। यानी इतना विश्वास हम उसको दिला सकते हैं चाइना को कि अगर आप 10 शहर जलाओगे हमारे तो हम तुम्हारे 8 या 9 शहर तो जला ही देंगे। इसको कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो किसी एक कंट्री के ख़िलाफ़ है कि किसी एक कंट्री पे एम करके हमने बनाई है कि पाकिस्तान पे सोच के हमने बना ली कि पाकिस्तान हम पे अटैक नहीं करे उसके लिए हमें कुछ बनाना है न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं, हम चाहे हमारे फ्रेंडली नेशन हो, एनिमी नेशन हो, ये बात सब तक पहुँचा के रखे हैं कि हमारे खिलाफ़ न्यूक्लियर वेपन यूज़ मत कर लेना, वरना जो फ्यूचर होगा, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक इंडिया करेगा वो अनबियरेबल और अनएक्सेप्टेबल होगा। एक प्रिंसिपल आता है नो फर्स्ट यूज़ का, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। नो फर्स्ट यूज़ प्रिंसिपल बहुत फेमस है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं कि क्या होता है नो फर्स्ट यूज़, पहली दफ़ा हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि भारत कहता है इस पोस्चर के अंदर, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के अंदर, न्यूक्लियर वीपन्स हम बदले में इस्तेमाल करेंगे, रिटेलिएशन में करेंगे। सामने वाला जब अटैक करेगा तो हम बदले में उसके करेंगे, किसी पे चला के अटैक करने के लिए नहीं करेंगे। कि जैसे मान लो कि पाकिस्तान हम पे पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा है और हमने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, नहीं, हमारे खिलाफ़ कोई न्यूक्लियर अटैक करता है, और ध्यान से सुनना, भले ही वो हमारी टेरिटरी नहीं हो, हमारी जैसे इंडियन फोर्सेज मान लो सऊदी अरेबिया में एक्सरसाइज कर रही है और वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हो गया, मानो टर्की ने कर दिया या ईरान ने कर दिया, तो इसका मतलब वो हम पे न्यूक्लियर अटैक हुआ है क्योंकि हमारे आदमियों पे हुआ है। तो जब सामने वाला न्यूक्लियर अटैक करेगा तब हम रिटेलिएशन में यूज़ करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ये होता है आपका नो फर्स्ट यूज़। एक प्रिंसिपल होता है मासिव रिटेलिएशन का। मासिव रिटेलिएशन का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप हम पे अटैक करते हो तो उसके बाद ये मत सोचना कि हम खाली बैठ जाएंगे। जो हमारा रिटेलिएशन होगा वो इनकैलकुलेबल
और अनएक्सेप्टेबल होगा। आप कैलकुलेट तक नहीं कर पाओगे कितना बुरा नुकसान आपका होगा, और इसलिए इसको म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि हमने आपसी सहमति से खुद को बर्बाद, एक दूसरे को बर्बाद करने की ठान ली। तुम 10 शहर उड़ाओगे, हम भी 10 शहर उड़ाएंगे, लेकिन मरेंगे दोनों। यानी ऐसा ये सोच के मत बैठ जाना कि आपको फ़ायदा होगा, सामने वाली कंट्री इंडिया के अगेंस्ट जो कंट्री है वो ये सोच के ना बैठ जाए कि उसको फ़ायदा होगा। नुकसान दोनों को होगा, और अनबियरेबल होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा, इनकैलकुलेबल होगा। ठीक है, अब हमारे जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनका कंट्रोल कौन करके चलता है? सबसे बड़ी बात है, जो हमारे न्यूक्लियर वीपन्स हैं उनको कंट्रोल कौन करके चलता है? कौन है जो आदेश दे सकता है कि हाँ न्यूक्लियर अटैक करना है? तो हमारे देश में मिलिट्री के पास ये पावर नहीं होती, सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पावर होती है, और उसमें भी एक अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसमें हमारी सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, और उस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा ही हम ये ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो काउंसिल होते हैं, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो काउंसिल होते हैं, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ नामों को ताकि आपको याद रह जाए। मेरा मकसद यही नहीं है कि आपको केवल कंटेंट चिपका दूँ ला के, नहीं, याद रहे तो बेहतर होगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो है, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल कौन चेयर करता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर। और ये पॉलिटिकल काउंसिल ही है जो न्यूक्लियर वेपन्स को उसको यूज़ करना ऑथोराइज कर सकती है, ठीक है ना। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इस अथॉरिटी की, उसको चेयर करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो फिर उसको एग्जीक्यूट करता है डिसीजन को। जैसे मान लो पाकिस्तान ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पॉलिटिकल काउंसिल को आके बोलेगा कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ अटैक हुआ है, रिटेलिएशन करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल काउंसिल को चेयर करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलेंगे कि हाँ आप कर दीजिए, और उस ऑर्डर को अब एग्जीक्यूटिव कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो डिसीजन मेकिंग के इनपुट्स भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे रहा है और एग्जीक्यूट भी ये कर रहा है, बस हाँ या ना का जवाब पॉलिटिकल काउंसिल आपका दे रहा है। ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कंडीशनल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये क्या डॉक्टर, ये क्या प्रिंसिपल है? कोई भी कंट्री ऐसी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, मान लो बांग्लादेश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, या भूटान है, नेपाल है, जिनको हम कभी कभी क्या कह देते हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कितने हैं? नॉर्मली देखा जाए तो 9 है पूरी दुनिया में, जिनमें हम हैं एक। बाकी के क्या हैं? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। भारत ये कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे इन देशों के खिलाफ। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक करती है इंडिया पे, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक करती है, जैसे मान लो कोविड जैसे कोई वायरस है, वैसे मान लो अभी जैसे कोई कंट्री है, जैसे मान लो नेपाल है, नेपाल कलने को हम पे एक वायरस फैला देता है, वीपन के जरिए एक वायरस फैला देता है भारत में, नेपाल की जानबूझ की साजिश हो और इससे हमारे देश में बीमारियां फैल जाती है, तब हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? हम नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स के खिलाफ अटैक नहीं करेंगे अनलेस कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वीपन से अटैक हुआ हो। एक और प्रिंसिपल है नॉन प्रोलिफिकेशन, नॉन प्रोलिफरेशन। ये क्या होता है? न्यूक्लियर और मिसाइल रिलेटेड जो मटेरियल होता है, टेक्नोलॉजीज होती है,
उन पे हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाएंगे उसके एक्सपोर्ट में। हर कंट्री को ऐसे प्रसाद के रूप में नहीं बांट देंगे, चलो तुम भी न्यूक्लियर पकड़ो, तुम भी न्यूक्लियर पकड़ो, तुम भी वीपन बनाओ, तुम भी वीपन बनाओ, ऐश करेंगे सारे मिलकर। नहीं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। लास्ट प्रिंसिपल है कमिटमेंट टू डिसआर्ममेंट, डिसआर्ममेंट मतलब भारत अंदर ही अंदर, भारत की आत्मा, भारत का दिल, भारत का एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव वो यही है दुनिया न्यूक्लियर फ्री रहे। ठीक है, भारत अंदर ही अंदर ये चाहता है कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट हो, किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वीपन तो नहीं रहे, खुद के पास भी नहीं रहे हमारे पास। लेकिन मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर वीपन एक नेसेसरी ईविल है, रखना पड़ेगा। कितना ही बुरी हो, कितनी ही दुनिया को बर्बाद करने वाली क्षमताएं इसके अंदर हो, बट इट इज़ अ नेसेसरी ईविल, मजबूरन आपको इसको रखना ही पड़ेगा। अब पढ़ते हैं कि ये तो हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के प्रिंसिपल्स की बात कर ली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये डेवलप कैसे हुई, एक दिन में ही हो गई या कुछ साल लगे, ये धीरे धीरे हम समझेंगे। देखो भारत जैसा देश ना, उसने मैंने कहा कि हमेशा न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड पे विश्वास रखता था कि दुनिया में न्यूक्लियर वीपन हो ही ना। तो हमने मजबूरन जो डिसीजन लिया कि भाई न्यूक्लियर वीपन हम बनाएंगे, उसकी एक सबसे बड़ी मजबूरी थी नेशनल सिक्योरिटी। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमको भी दुनिया न्यूक्लियर वीपन कंट्री बोलेगा, या हमको भी जो हमारी पॉलिटिकल कंसिडरेशन बढ़ जाएगी, या हमारी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि हमको वोट मिलेगा, क्योंकि नुकसान था, इंटरनेशनली सेंक्शन झेलने पड़ते हमको, उनको पता है, और डोमेस्टिक इशूज़ आते, लोगों का भरोसा भी उठ सकता था भारत की सरकार पर। मगर नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे वीपन्स को डेवलप किया। कुछ सीक्वेंस के रूप में मैं समझाने वाला हूँ, हाथ में कॉपी और पेन हो और लिख लें तो बेहतर है, याददाश्त आपकी तेज है तो सुन लीजिए। 1947 से 1974 हमने पीसफुल तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। 1947 से 1974 में जैसे आपके होमी भाभा थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कैसे ना कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को मनाया कि न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया, भारत की प्रेस्टीज बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंस बनेगा एनर्जी में, और इन्होंने फोकस किया प्राइमरली इलेक्ट्रिसिटी पे। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये डेवलप करने पर सोच रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम डेवलप करेंगे। धीरे धीरे समय आगे चलता गया, एक डिबेट छिड़ गई कि न्यूक्लियर एनर्जी तो हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन चाइना से, जैसे चाइना के साथ हमारा जो वार हुआ, क्या हमको न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस तैयार कर देना चाहिए, नहीं तैयार कर देना चाहिए। देखो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से काम आती है, सिविल में और मिलिट्रली। सिविल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी के लिए इसमें काम आती है, मिलिट्रली वीपन्स बनाने के लिए काम आती है। चाइना से हमें डर ये था कि यार चाइना करने को इतना अगर हमला कर दे तो कोई तो हमारे पास एक वो हो ना कि भाई इससे हम उसको डेटरेंस कर सके, डेटरेंस फैला सके कि भाई संभल के। तो ये भी सोच सामने आई। ये सब सोचते हुए 1974 में इंडिया ने अपना फ्यूजन डिवाइस टेस्ट किया जिसका नाम था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसका ईयर याद रखना, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इसके ईयर का नाम है। 1974 में भारत ने लॉन्च किया फ्यूजन डिवाइस, ठीक है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। से 1998 की बात करते हैं। अब 1974 में हमने टेस्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको कंडेम किया कि आपने वोलेशन किया है, जो पीसफुल यूज़ एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे उसको वोलेशन किया है, ठीक है, और इस वजह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी बन गया है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या था, कुछ कंट्रीज़ मिलकर सोची कि भारत ने अब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, इसको देखते हुए और छोटी छोटी कंट्रीज़ भी इंकरेज होंगी, क्योंकि इससे पावर बढ़ती है, प्रेस्टीज बढ़ती है। तो अब हर कंट्री कर क्यों नहीं लेती, क्योंकि ऑफकोर्स सीधी सी बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं है। भारत के पास इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट थे,
जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री थे, तो हर कंट्री नहीं कर सकती। तो यानी भारत से कुछ कंट्रीज़ मदद मांगेंगी, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनसे मदद मांगेंगी, तो जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उन पर एक रोक लगा दी जाए कि आप किसी को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो इसके लिए बना आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और भारत को उसको नहीं रखा गया, भारत आज भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम पे एक प्रेशर बनाने की सोची गई दुनिया के द्वारा कि हमको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अब नहीं करना है, न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं बनाने। फिर न्यूक्लियर आर्म्ड चाइना और पाकिस्तान, इससे हमारा डर फैलता गया, इससे हमारे युद्ध होते गए। तो हमने वापस 1998 में पोखरण में राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट किए और ख़ुद को हमने न्यूक्लियर वीपन स्टेट बना दिया, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हमने खुद को बता दिया। तो 1974 में आपका पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, कंट्रीज़ ने कंडेम्ड किया, लेकिन भारत की सुरक्षा, भारत की सेफ्टी, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 1998 में फिर से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और ख़ुद को आर्म्ड कर दिया विद न्यूक्लियर वीपन्स, और दुनिया को भी ये बात बता दी गई। लेकिन उसी टाइम इंडिया ने एक अपना जो प्रिंसिपल है वो बनाए रखा कि हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ हमेशा से, यानी न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड रहे, न्यूक्लियर वीपन किसी के पास नहीं रहे। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव भी बनाए रखा और कहा ये तो हमारी मजबूरी है कि हम न्यूक्लियर वीपन बना रहे हैं। ये कैसे दिखा, ये कैसे पता चला कि इंडिया न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड चाहता है? क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड जनरल असेंबली में उस टाइम ही एक एक्शन प्लान सबमिट किया जिसको कहते हैं न्यूक्लियर वीपन फ्री या नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर, न्यूक्लियर वीपन फ्री या नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो भारत एक तरफ अपने न्यूक्लियर डिवाइस भी टेस्ट कर रहा था और साथ ही साथ दुनिया को भी बता रहा था कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हम चाहते हैं। 1998 तक बात हो गई, पोखरण का टेस्ट हो गया। अब 1998 से अभी की बात करते हैं, 1998 से प्रेजेंट तक की बात करते हैं। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डर फैल गया कि अब तो युद्ध छिड़ना ही छिड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना ही बढ़ना है। 1998 के टेस्ट के बाद भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश किया और ड्राफ्ट रिपोर्ट निकाली न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पे 1999 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के सुब्रमण्यम। ऑफिशियली हमने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन निकाली, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2003 में। फिर क्या हुआ कि यूएस ने और इंडिया ने आपस में बातचीत कर ली। बातचीत ये हो गई कि यूएस पहले तो सैंक्शन लगा रहा था इंडिया पे कि हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे तुमको टेस्ट, तुम ये गलत कर रहे हो। भारत ने कैसे ना कैसे यूएस को मनाया कि हम इसका इस्तेमाल पीसफुल तरीके से करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है हमारी, पहली दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे, रिटेलिएशन में करेंगे। यूएस ने बोला ठीक है, ये प्रिंसिपल आप मानते हो तो हम आपको फिर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहायता देने के लिए तैयार है। और इंडिया और यूएस के बीच में सिविल, ध्यान रखना, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। और बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि इसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो 2006 में हुआ था करीब करीब, ठीक है। और फिर यूएस ने जो है इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लेना भी चाहा ताकि इंडिया इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन एनएसजी में इंडिया आज भी शामिल नहीं है। इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे रोक लगाएंगे, कुछ जगहों पे ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे और वो भी सिविलियन होगी, मिलिट्री हम न्यूक्लियर वीपन डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आज हमारी न्यूक्लियर स्टैंडिंग क्या है ये समझाता हूँ, और ग्लोबल न्यूक्लियर डिस्कोर्स क्या चल रहा है ये भी बताऊँगा। देखो, एक ट्रीटी है CTBT, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हमने साइन नहीं किया,
और इंडिया एक ट्रीटी के लिए सपोर्ट करता है, उसका नाम है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। इंडिया कहता है ये सही है, ये यूनिवर्सल है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती और इंटरनेशनली वेरीफेबल है, इंटरनेशनली वेरीफेबल है। अब इंडिया CTBT को क्यों नहीं साइन कर रखा, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं कर रखी है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन क्यों नहीं कर रखी है मैं ये भी बताऊंगा। क्या इंडिया इन सब में कहीं ना कहीं फ्लॉज ढूंढ लेता है? इंडिया को लगता है कि सारे जो ट्रीटीज़ है ना ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ने एक और ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अभी अभी जो 2020 में आई है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये अच्छी ट्रीटी है वैसे। ये सारे दुनिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबको नॉन न्यूक्लियर रहने को बोलती है, लेकिन इसमें कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, है ना? मतलब आप चेक नहीं कर सकते हो कि कौन कितना कर रहा है और कितना कम कर रहा है, और कितना इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है इसमें। तो इंडिया ने CTBT भी साइन नहीं कर रखा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं कर रखी और ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी साइन नहीं कर रखा। इंडिया किसको सपोर्ट करता है? इंडिया सपोर्ट करता है फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को, और जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट। इंडिया कहता है कि यही है, यही वो सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन फोरम है और इंडिया यहाँ पे अपनी बात रखता है। इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ भी जो है बातचीत करके सेफगार्ड्स रख रखा है अपनी कंट्री में, और US की वजह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से भी इसको एक छूट मिल रखी है। ऐसे क्या होता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये बातचीत है कि कोई भी और कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट नहीं करेगा, और वो तो लिमिटेशंस है उस चीज़ पे। भारत एनर्जी का मेंबर नहीं है तो भारत को भी न्यूक्लियर सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती, लेकिन इसके अंदर हमको छूट मिली हुई है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के अंदर इसके अंदर हमको छूट मिली हुई है, वेवर मिला हुआ है एक US की तरफ से, US की वजह से। या आप कह सकते हो कि हमने इंटरनेशनली एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई, हमने कहा कि नॉन न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर नहीं रह के भी यह है, ठीक है, हालांकि उतना फ़ायदा हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने ना देखो हमने नॉर्थ कोरिया के जैसे नहीं कि न्यूक्लियर वेपन बना दिए और सबको धमकी दे रहे हैं, तेरे को उड़ा दूंगा तेरे को उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। पूरे पक्के सेफगार्ड्स हमने कर रखे हैं, पूरे पक्के इंतजाम हमने कर रखे हैं इसमें, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ बातचीत करके हमने सेफगार्ड्स कर रखे हैं, लिमिटेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमने डेवलप कर रखी हैं, और सिविल फैसिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। वैसे इंडिया चाहता है कि भाई इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, लेकिन चाइना है, चाइना मेंबरशिप लेनी नहीं देता इंडिया की, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ये तो सपोर्ट करते हैं हमको, ये तो करते हैं कि भाई इंडिया को NSG में शामिल कर लो, और इंडिया और US का तो एग्रीमेंट ही है, सिविल एग्रीमेंट न्यूक्लियर पावर के लिए। चाइना नहीं करता, ठीक है, चाइना इस चीज़ को नहीं मानता, और चाइना नहीं मानता इस वजह से हम शामिल नहीं हो पाते। अब जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, जितनी भी ट्रीटीज़ हमने पढ़ी बात की, सारी ट्रीटीज़ मैं आपको समझाऊंगा, एक बार मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपना रखी है, जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या आज के टाइम पे ये काफ़ी है, रिलेवेंट है, या इसका हमें रिव्यू चाहिए? हमने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखी है, क्या वो सफिशियंट है चाइना जैसी कंट्री को धमकाने के लिए, डराने के लिए? क्योंकि चाइना ने अभी गलवान वैली में भी जो किया आप सबको पता है। तो अब तक तो हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी उसने एक एम जो है वो पूरा किया है कि बाकी कंट्रीज़ को डरा के रखा है, लेकिन क्या है ना कि डायनामिक्स बदल रहे हैं रीजन में, सिक्योरिटी डायनामिक्स बदल रहे हैं, और हर कंट्री अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट करती जा रही है। भारत सरकार ने भी, जैसे हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो मैंने फ़ोटो ले रखी है अभी वीडियो में, वो यही है। इंडिया ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसके बारे में हम रिव्यू कर सकते हैं।
अभी रीज़न क्या क्या है इसको रिव्यू करने के लिए, रिव्यू क्यों करना चाहिए? राजनाथ सिंह ने तो कह दिया, लेकिन क्या वास्तव में रिव्यू करना चाहिए? तो मैंने जैसा आपको बताया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका रशिया अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को पीरियडिकली अपडेट करती रहती है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया अब तक। चाइना पाकिस्तान के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, अब तो रशिया का भी रोल बढ़ गया। अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी आए थे भारत में, आप सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो वो क्वाड के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए चेतावनी देके गए थे, और जाते जाते पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील्स भी करके गए थे। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट करने के लिए। साथ ही साथ देखो, हमारी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ है, भारत की हो चाहे दुनिया की, वो बढ़ रही हैं। इंडिया ने कोशिश की है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या और भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, वो हम डेवलप करते रहे और दुनिया के सामने एक अच्छा खासा उदाहरण पेश करते रहे कि भाई हमें जो है डराने की कोशिश मत करना। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इन वीपन्स के आने के बाद, जैसे हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी अग्नि मिसाइल्स हैं, पृथ्वी हैं, ये इतना नुकसान तो कर ही सकती है कि आप नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी अपना लो। लेकिन मान लो कल को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमने बिना न्यूक्लियर वीपन के बैलिस्टिक मिसाइल से भी अगर अटैक करना शुरू कर दिया ना, तो नुकसान तो होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वीपन से ही नुकसान होता है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया तो भारी भरकम नुकसान होगा। तो क्या वास्तव में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की ज़रूरत रह गई आज के टाइम पे? छोटे छोटे बॉम्ब, छोटे छोटे न्यूक्लियर न्यूक्स जिनको कहते हैं, वो बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़ जो है एडवांस होती जा रही है, इनको प्योर फ्यूजन बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। जैसे US का एक है मिनी न्यूक, चाइना अपने हाइपरसोनिक व्हीकल्स बना रहे हैं, ठीक है। रशिया अपना एक न्यूक्लियर आर्म्ड, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर व्हीकल बना रहे। तो इतनी जब दुनिया टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, क्या हमें नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर टिके रहना चाहिए? क्योंकि देखो, एक चीज़ समझो, न्यूक्लियर फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है कि सामने वाला जब अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे। मान लो कल को रशिया ने ऐसी अटैक कर दी हम पे, हाइपरसोनिक मिसाइल से, न्यूक्लियर पावर्ड व्हीकल से अटैक कर दिया, हम अगर उस कैपेबल रहे नहीं रिटेलिएशन करने के, तो क्या हम कर पाएंगे? हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ही अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो क्या हम रिटेलिएट कर पाएंगे? ये चीज़ समझो। इसलिए न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे सवाल उठते हैं। कलने को पाकिस्तान ने अगर दिल्ली पे अटैक कर दिया, मान लो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ही मार दिया, तो क्या हम कैपेबल रह पाएंगे रिटेलिएशन करने में? क्राइसिस नहीं आ जाएगा पॉलिटिकल लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में? तो वही तो चीज़ है ना, कि क्या उतनी इफिशेंसी आज नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की रही है? लेकिन कुछ लोग हैं जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को भी फेवर करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक जो हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई है, उसी वजह से हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से छूट मिली है, आपस में ट्रेड करने के लिए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है US के साथ। दुनिया हमें एक रिस्पॉन्सिबल पावर समझती है, और जो सेक्शन US ने, कनाडा ने, इन सब ने लगाए थे, ये सेक्शन भी इसी वजह से हटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने अप्रोच अपनाई है वो ये है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। मैं आपको बता दूँ, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी चाइना ने भी अपना रखी है। जी हाँ, चाइना और भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखे हैं, और इसलिए चाइना के अगेंस्ट भी काम तो आई है ये, ताकि चाइना एक हद तक आके रुक जाता है। जैसे गलवान वैली में एक हद तक आके हम रुक गए, अब डिसइंगेजमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियर पावर होने की वजह से है, और जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमने अपनाई हुई है उसके वजह से, और इसी वजह से हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप कर पा रहे हैं, और कंट्रीज़ हमें कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखा है, किसी पर ज़बरदस्ती सामने से अटैक तो नहीं करेगा, रिटेलिएशन में करेगा, और रिटेलिएशन में तो कोई भी कंट्री कर ही सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। मान लो कलने को, अभी जैसे चाइना का एक एग्जांपल है कि पता चला कि चाइना ने अटैक किया था महाराष्ट्र के एक वो बिजली उसमें अटैक किया था अभी, तो पूरी मुंबई की बिजली चली गई थी, पूरी मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, अभी पढ़ा था ना अपने न्यूज़ में। तो अगर साइबर अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं,
मान लो किसी कंट्री ने हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे साइबर अटैक कर दिया और उनको नॉन फंक्शनल बना दिया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे रिटेलिएशन कर पाओगे तुम? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का क्या होगा? और देखो, न्यूक्लियर वेपन आजकल टेररिस्ट भी डेवलप करने के कैपेबल हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब आतंकवादी संगठन भी डेवलप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही सकती है उसको आसानी से। चलो डेवलप तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उनके साथ आप कैसे करोगे, उनके साथ कैसे बातचीत करोगे? दूसरी बात, कंसेंसस नहीं है ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम्स में। रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है, हाइपरसोनिक, US अपने कर रहा है, चाइना अपनी कर रहा है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट डॉक्ट्राइन जो है साइबर क्राइम से डील करती है कि नहीं करती है। नहीं करती है तो क्या हमें अपडेट करना चाहिए, है ना? और देखो, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का क्या करेंगे? क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि कोई भी नॉन न्यूक्लियर जो स्टेट होगा, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो वैसे बांग्लादेश तो कभी अटैक करेगा नहीं हम पे, लेकिन बांग्लादेश हो गया, ये हो गए, इन पे कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमने कह दिया। और पूरी दुनिया में हमारी वाह 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 हुई, वाह भाई वाह, भारत तो जिम्मेदार पावर है, रिस्पॉन्सिबल पावर है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की भी चिंता करता है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि इन स्टेट्स ने, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन्होंने अगर केमिकली और बायोलॉजिकली अटैक किया, मैंने बताया था ना शुरू में, सबसे पहले केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से अटैक करने पर हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तो इससे एक मैसेज नहीं गया कि हम अभी भी अग्रेसिव हैं, हम अभी भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को नहीं मान रहे? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि COVID-19 अभी फैल रहा है, आज तक ये प्रूव हो पाया कहाँ से आया? हम सब जानते हैं चाइना से आया है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी और की रिपोर्ट देख लो, चाइना का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो मान लो चाइना ने पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर, ये जो बायोलॉजिकली अटैक ही किया हो, बायोलॉजिकल वायरस से किया हो, बायो टेररिज्म भी फैलाया हो, मान लो COVID-19 के जरिए, लेकिन प्रूव कर पाओगे? तो कल ने को अगर पाकिस्तान फैला देता है, या मान लो नेपाल चाइना के साथ मिलके हमारे में एक वायरस फैला देता है हमारे देश के अंदर, क्या हम ये पता कर पाएंगे कि वहीं से ही आया है, उसका सोर्स कहाँ से है? हम तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं और पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, ठीक है ना? तो और कई बार क्या होता है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यार केमिकल और बायोलॉजिकल जो अटैक हो रहा है, मान लो आप ये कह देते हो कि यार ये तो जो है नेपाल से ही आया है, ये आपको कंफर्म हो जाता है कि ये इस कंट्री से आया है, तो भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो आप कन्वेंशनल वेपन से अटैक कर दो, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दो, उसमें न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ रही है? तो अगर आप नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कह रहे हो तो नो फर्स्ट यूज़ ही रखो, ये मत बोलो कि नॉन न्यूक्लियर होगा तो हम नहीं करेंगे अटैक, लेकिन बायो टेररिज्म फैलाएगा, केमिकल वेपन से अटैक करेगा तो कर देंगे। इससे डाइल्यूट हो जाती है पोजीशन, डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं, इससे लोग, इसे और कंट्रीज़ कहते हैं कि दोगले हैं, भारत के लोग दोगले हैं, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे चीज़ सामने आती है, लेकिन हमें पता है हम सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन डाइल्यूट हो जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब हम किस लाइन पे रिव्यू कर सकते हैं हमारी डॉक्ट्राइन को, किस तरीके से हमें रिव्यू करना चाहिए? आपको एक सफिशिएंट केस तो मैंने बता दिया ना, क्यों रिव्यू करना चाहिए, साइबर टेररिज्म, बायो टेररिज्म, और कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं फैसिलिटीज़, या मान लो किसी कंट्री ने अटैक ही कर दिया हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो हम रिटेलिएट भी कैसे करेंगे? तो इन लाइन पे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है, लेकिन रिव्यू करें तो करें कैसे? तो देखो, ये कि सबसे पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि एक डर जो है उनसे भी फैले, जो हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ मासिव रिटेलिएशन का जो कमिटमेंट है ना, हमने क्या कहा था, कोई भी कंट्री हम पे अटैक करेगा, इतना बढ़िया तरीके से रिटेलिएशन लेंगे कि आप भूल नहीं पाओगे और बहुत डैमेज होगा। तो हो सकता है कि जैसे मान लो किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया और हमने क्या वादा कर रखा था कि हम मासिव रिटेलिएट करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उतनी ज़रूरत नहीं है, मासिवली रिटेलिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को क्या पता था कि इंडिया ने ऐसे बोला था कि मासिव रिटेलिएट करेंगे, ये बदला लेंगे,
तो बाकी दुनिया नज़र गड़ा के रखेगी कि भारत कब इस देश से बदला लेगा, मासिव रिटेलिएट करेगा। अगर हम नहीं लेंगे बदला तो बाकी दुनिया फ़ायदा उठाएगी। मान लो चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, हमने क्या बोला था न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर, हम पे अटैक करोगे भूल नहीं पाओगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। मान लो हमें लगता है कि चाइना ने इतना बुरा अटैक नहीं किया, फिर भी हमने वादा कर रखा था मासिव रिटेलिएशन का, पाकिस्तान ये देख रहा होगा। अगर हमने चाइना पे वापस अटैक नहीं किया दोबारा मुड़ के, तो चाइना पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और कंट्रीज इस हमारे दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और सोचेंगे कि इंडिया सिर्फ बोलता है, इंडिया सिर्फ बोलता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी। देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि इंडिया हर चीज़ पर क्लियर कट पोस्चर ही बना के रखे, कई बार चीज़ों को ना ऐसे ब्लर करके छोड़ दो, समझ रहे हो ना। एम्बिग्यूटी मतलब होता है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड करने जरूरी होते हैं कई चीज़ों में। तो आप जो ये मासिव रिटेलिएशन वाला कमिटमेंट है ना, इसमें एम्बिग्यूटी लगा दो, मतलब हम इसमें तरह तरह की कंडीशन जोड़ दें कि अगर इतना नुकसान हुआ तो ही करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाएगा। मान लो चाइना ने हमारा कुछ ही नुकसान किया तो बाकी कंट्रीज़ देख रही होंगी कि अब भारत ने बोला था भारी भरकम नुकसान करेगा, तो मैं कह सकते हैं नहीं, चाइना ने भी थोड़ा सा नुकसान किया है तो हम भी थोड़ा सा ही करेंगे। तो एक डर फैल जाएगा, तब भी एक डर फैल जाएगा पूरी दुनिया में कि हाँ भारत जो है बदला तो लेता है, भारत जो है बदला तो लेता है, तो चाइना ने इतना नुकसान किया था इसलिए भारत ने भी उसका उतना नुकसान किया। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डेप्थ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएगा। फॉरेन पॉलिसी के साथ सिंक्रोनाइज करो, क्या कर सकते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी की नीड्स बदल रही हैं तो इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर रिव्यू कर सकते हैं इस चीज़ का। हमने जो शुरू से एक स्टेटस मेंटेन किया कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, इस पे हम काम कर सकते हैं, इससे हमारी इमेज भी बढ़ेगी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लेने में फ़ायदेमंद भी होगा। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इसको हम ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं कि पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करे और यूएन में और प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस कर सकते हैं। हम ओपन और ट्रांसपेरेंट डायलॉग लेके आ सकते हैं कि सब के सब रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। इतना याद रखना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अभी इंडिया ही और चाइना ही है जो अपनाते हैं और कोई भी कंट्री नहीं अपनाती है। नो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स है दुनिया में, केवल चाइना और इंडिया ही करते हैं, बाकी नहीं करती है। तो पूरी दुनिया में अगर ये अडॉप्ट करवा दे तो इंडिया की इमेज बढ़ेगी, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर भारत उभर के आएगा, न्यूक्लियर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी इमेज बढ़ेगी, परमानेंट सीट लेने में हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे भारत को एडवांटेज तो मिले, लेकिन समय बदल रहा है, बातें बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स ज़रूरी हैं, तो डॉक्ट्राइन को भी बदलना ज़रूरी है। मैंने आपको समझा दिया एक बार पूरी इस लेक्चर में कि कैसे हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, पहले तो क्या क्या ये समझा दिया आपको, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मासिव रिटेलिएशन, मिनिमम क्रेडिटेबल डिटरेंस समझा दिया आपको, ठीक है, कैसे डेवलप हुई पिछले कुछ सालों में ये भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई 1947 से 1974 आपका पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ, 1974 से 1998 तक आपका मॉडर्नाइजेशन हुआ जो आपके पोखरण में टेस्ट हुए, 1998 से अभी तक क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इंडिया एनएसजी में नहीं है, इंडिया CTBT में नहीं है, NPT में नहीं है, इंडिया ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन में नहीं है, ठीक है। रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों है मैंने आपको बता दिया, और रिव्यू कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रीलिम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर ट्रीटीज़ जो मैंने बोला साइन नहीं कर रखी है, और कौन कौन से एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिमेज हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है वीपन्स को, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्योरली ये प्रीलिम्स के लिए होगा और मेंस के लिए होगा, इसमें थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जितने भी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं सबके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। ये क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन हुई थी, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। क्या कहती है कि न्यूक्लियर वीपन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए यानी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए,
डिसआर्ममेंट होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर वीपन जो कंट्रीज है अपने न्यूक्लियर वीपन को ख़त्म करें, हटाएं उनको और पीसफुल यूज़ करें न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी सिविलियन पर्पस से काम करें। इंडिया ने इसको साइन क्यों नहीं कर रखा? सबसे बड़ी बात यह कि इसमें यह कहता है, ये ट्रीटी ये कहती है कि 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ऐसे टोटल 9 हैं, लेकिन ये क्या कहती है कि दुनिया में 5 न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स हैं, US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनको ये न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स मानती है और कहती है कि हाँ आप लोग न्यूक्लियर वीपन रख सकते हो, आप लोग न्यूक्लियर वीपन रखो, किसी और को न्यूक्लियर वीपन ट्रांसफ़र मत करो और आपको अपने न्यूक्लियर वीपन डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परमानेंट मेंबर हो। मैंने कितने बताया? 9 न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स होते हैं टोटल, इसने 5 को रिकॉग्नाइज कर रखा है, बाकी के 4, जैसे उसमें इंडिया भी है, इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा। इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा क्यों? इंडिया ने क्या बोला कि परमानेंट मेंबर ही क्यों, US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना ही क्यों, बाकी सब इनको भी अपने न्यूक्लियर वीपन को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ये क्यों रखें? जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो कहती है कि US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, ये 5 कंट्री जो परमानेंट कंट्रीज है UNSC की, ये न्यूक्लियर वीपन रखें, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करें और बाकी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, बाकी जो कंट्रीज़ है ना वो अपने न्यूक्लियर वीपन्स को डिस्ट्रॉय कर दें। इंडिया कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा वरना कोई भी नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया इकलौता कंट्री नहीं है जिसने NPT को साइन नहीं किया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने भी इसको साइन नहीं किया, तो याद रखना। NPT में क्या कहते हैं कि परमानेंट जो मेंबर है वो रखेंगे, बाकी सब अपने न्यूक्लियर वीपन को हटा दो, और इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है तो इंडिया इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। एक आपकी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये UN जनरल असेंबली में 1996 में अडॉप्ट की गई थी। इसमें ये कहता है, देखो नाम क्या है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो भी आप टेस्ट करोगे, न्यूक्लियर टेस्टिंग करोगे, सब के सब प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अभी तक ये इन्फोर्स में नहीं आई हैं क्योंकि 44 स्टेट्स को इसको साइन करना था, रेटिफाई करना था, लेकिन 44 स्टेट्स हैं जो इसके अनेक्स सेकंड में शामिल हैं, वो 44 स्टेट्स ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। 36 स्टेट्स हैं इसने जिसको रेटिफाई कर दिया, इंडिया उनमें से नहीं है, ये ध्यान रखना। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसराइल, इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया, इस वजह से ये आई नहीं है। तो इंडिया ने NPT भी नहीं किया, CTBT भी नहीं किया, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी नहीं किया, ठीक है। इंडिया को इन पर ट्रस्ट नहीं है, इंडिया जो है वो CTBT भी साइन नहीं कर रखा और NPT भी साइन नहीं कर रखा, ये ध्यान रखना। एक इम्पोर्टेंट है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ये हाल ही में 2020 में आया है, ध्यान रखना, 2020 में ही अभी ये अभी फोर्स में आया है। इसमें क्या है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, जो भी इसके मेंबर्स होंगे जिन्होंने साइन वाइन किया है, उनको प्रोहिबिट करती है किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस डेवलप करने से, टेस्ट करने से, प्रोड्यूस करने के, मैन्युफैक्चर करने से, एक्वायर करने से, पजेस करने से, स्टॉक पाइल करने से। आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर वीपन की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं हो सकता। टेस्ट करना, अभी देखो CTBT में हमने क्या बोली, टेस्ट की बात की थी, और NPT में हमने प्रोलिफ्रेशन की बात की थी, प्रोलिफ्रेशन नहीं होगा। इसमें टेस्ट भी नहीं कर सकते, डेवलप भी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं कर सकते, पजेस भी नहीं कर सकते, किसी को आप दे भी नहीं दे सकते और प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। कितनी बढ़िया ट्रीटी है ना, लेकिन भारत ने इसको साइन नहीं किया, क्यों? वैसे मैं बताऊं, इसको किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट ने साइन नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि इसमें कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई भी पार्टी विड्रॉ कर सकती है अगर उसको लगता है कि भाई उसके इंटरेस्ट खतरे में पड़ रहे हैं, उसके जो सुप्रीम इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ रहे हैं, तो वेरिफिकेशन कोई रिजीम नहीं है, है ना, और
कोई भी पार्टी अमेंडमेंट कर सकती है इसमें, वो तो टू थर्ड जो होगा उस मेजोरिटी से अडप्ट होगा, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं है और कोई भी पार्टी विड्रॉल कर सकती है मेन टाइम पे, मान लो उसको लगे कि सुप्रीम इंटरेस्ट उसके खतरे में पड़ रहे हैं। तो इंडिया ने इसको नहीं किया है अभी, ठीक है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमारी एक है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या है, इसको सपोर्ट करता है। ये 1979 में एक मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन के तौर पर निकल के आई थी, एक फोरम ही है, इसमें बातचीत होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि, वैसे मैं आपको बताऊं कि CTBT के बनने के बाद ये डेडलॉक्ड हो गया है ना, मतलब इसमें बातचीत होती तो है लेकिन कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाता, बातचीत करके चले जाते हैं, कोई मेजर डिसीजन निकल के नहीं आता है ना। तो जैसे इसमें एक ट्रीटी है फिसाइल मटेरियल को बैन कर, फिसाइल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वीपन्स, इसको बैन करने की ट्रीटी है, इसके अंदर जो बात हो रही है लेकिन वो अभी तक पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है, वो बात अभी तक इसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं पाती, ये ट्रीटीज निकल के आ ही नहीं पाती जिसको इंडिया सपोर्ट करता है। और इस वजह से जो है इंडिया ने NPT को साइन नहीं किया, CTBT को नहीं किया, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं किया, यानी TPNW ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स उसको साइन नहीं किया, और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट में अपनी बात रखता है लेकिन उसमें कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता। अभी मैंने बात बोली आपको फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी की, ये क्या है, ये प्रपोज्ड है अभी, इसमें है ना जो यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का प्रोडक्शन को प्रोहिबिट करने की बात होती है, यूरेनियम और प्लूटोनियम प्रोडक्शन ही नहीं होगा, बिल्कुल प्रोहिबिट, लेकिन इस लेकिन ये ट्रीटी नेगोशिएट भी नहीं हो पाती ना ही इसके टर्म्स डिफाइंड है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट है उसमें ये नेगोशिएट होती है और कंट्रीज कंसेंसस अडॉप्ट नहीं कर पाते, आपस में वो सहमति नहीं जता पाती, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।